रामगिरी या रामटेक दो अलग अलग शब्द हैं। दोनों शब्दों में राम नाम का उल्लेख है, एक जगह टेक और एक जगह गिरी। रामगिरी और रामटेक महाराष्ट्र की संस्कार धानी उपराजधानी नागपुर से महज 20 किलोमीटर दूर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 52वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं भगवान श्री राम जहाँ वनवास के दौरान रुके थे, जहाँ माता सीता ने अपनी पहली रसोई बनाई थी, उस रसोई के बारे में हम चर्चा करते हैं। और इस सब के बीच आपको ये चीज़ भी इसको बताने का प्रयास करेंगे कि रामटेक का मूलतः महत्व क्या है। रामटेक महाराष्ट्र के नागपुर के करीब है, दर्शनार्थी सैलानी यहाँ बहुतायत में आते हैं। इसके अलावा रामटेक इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ मशहूर कवि कालिदास के द्वारा अपनी एक बहुत बेहतरीन रचना मेघदूत का उन्होंने सृजन रामटेक में ही किया था। रामटेक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान जा रहे थे तो कुछ समय के लिए बारिश के पूर्व जब वे यहाँ से गुजर रहे थे उसी दौरान बारिश आरंभ हुई। बारिश के 4 माह भगवान श्री राम ने चौमासा यहाँ किया था, ऐसी मान्यता प्रचलित है। इस दौरान भगवान श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में उन्होंने यहाँ वे रुके हुए थे और जब वे यहाँ आसपास भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी मनुष्य की हड्डियाँ देखी। उस हड्डियों को देखकर भगवान श्री राम का मन बहुत व्यथित हुआ। उन्होंने अगस्त ऋषि से इसका कारण पूछा। ऐसी मान्यता है कि अगस्त ऋषि के द्वारा ये बताया गया कि असुरों के द्वारा जो ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं उनके यज्ञ में व्यवधान डालते हुए उनका वध कर दिया जाता है, ये सारी हड्डियाँ उन्हीं की हैं। तब ऐसा पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने वहाँ संकल्प लिया था कि इस संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा को टेक भी कहा जाता है, इसलिए स्थान का नाम रामटेक पड़ा, ऐसी मान्यता है। इसे पहले रामगिरी कहा जाता था। इसके साथ ही भगवान श्री राम ने इस पूरी धरती को असुरों से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा ली, रामटेक इस कारण यहाँ इसका नाम पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महल का निर्माण राजा रघुजी भोसले द्वारा कराया गया था और प्रथम भोसले राजा वे माने जाते हैं। यहाँ सारी चीज़ें उल्लेखित हैं जिन चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे पट्टिका जो यहाँ पे शिलालेख में वो सारी चीज़ें दर्ज हैं। यहाँ पे गढ़ मंदिर रामगिरी का गढ़ मंदिर जहाँ से हम ये आपको दिखा रहे हैं, और रामगिरी का गढ़ मंदिर यहाँ भगवान श्री राम ने तपस्या की थी। और भगवान श्री राम की तपस्या के अलावा यहाँ माता सीता ने पहली रसोई, हम आपको उनकी पहली रसोई भी दिखाते हैं, पहली रसोई यहाँ इसका निर्माण कराया था। और जितने भी साधु संत तपस्वी थे उनको माता सीता, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे उनको भोजन कराती थी। यहाँ एक पवित्र कुंड भी है जिसका उल्लेख अभी हम आपको पवित्र कुंड ले चलते हैं। पवित्र कुंड भी है जहाँ राजा अम्बरीश जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया था उन्होंने जब इस पवित्र कुंड में स्नान किया, ये यहाँ शिलालेख में इसका विवरण दर्ज है, तो उनका कुष्ठ रोग मिट गया था। इसके अलावा यहाँ पे भगवान श्री राम के अलावा भी और अन्य मंदिर हैं जिनके बारे में हम अभी आपको आगे और बताते हैं। नागपुर के पास रामटेक की अगर बात की जाए तो रामटेक में प्रसिद्ध कवि कालिदास का जिक्र किए बिना रामटेक पूरी तरह अधूरा ही नज़र आएगा। और रामटेक में कालिदास और रामटेक रामनगरी की क्या समानता है, क्या इनका आपस में संबंध है, इस बारे में यहाँ बहुत सारी किंवदंतियाँ लोकोक्तियाँ और कहानियाँ प्रचलित हैं। हमारे साथ स्थानीय निवासी अलंकार चिंटोले मौजूद हैं। आप बताएं कि क्या इस कहानियाँ या क्या किंवदंतियाँ हैं।
यहाँ पर कालिदास जी आकर मेघों से बात कर उन्होंने मेघों से बात करके संदेश भी जाया था, कुछ ऐसी कहानी है। आपने बताया कि यहाँ कालिदास जब बैठे तो कालिदास ने मेघदूत की रचना करी, मेघदूत की के अंदर यहाँ विस्तार से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक जगह उनके द्वारा जो एक चित्र के साथ जिस जो चीज़ वर्णित की गई उसमें धन के देवता कुबेर के यहाँ एक यक्ष मानुष काम करता था, यक्ष मानुष स्वर्ण कमल लाने के लिए उसको पाबंद किया गया था। वो अपने काम में वो किसी एक सुंदर स्त्री पर मोहित हो गया और उसके द्वारा स्वर्ण कमल लाने के काम में लापरवाही बरती गई। इस लापरवाही बरतने के बाद कुबेर के द्वारा उसे उस काम से पृथक कर दिया गया, विलग कर दिया गया। वो मनुष्य यहाँ आया और उसने कालिदास से अपनी वेदना कही, कालिदास के द्वारा उसकी वेदना को मेघों के जरिए उसकी प्रेयसी तक पहुँचाया गया। ये एक यहाँ इस तरीके की कथा प्रचलित है। या रामटेक, ये दो शब्द अलग अलग हैं, दोनों में राम के नाम का उल्लेख है। विष्णु वाराही अवतार रामटेक में ये आप जो देख रहे हैं एक विष्णु जी का वाराही अवतार माना जाता है और इस विष्णु वाराही अवतार में है ये पत्थर का एक बना हुआ है। इसके नीचे जो स्थान आप देख रहे हैं इसके नीचे से ऐसी मान्यता है कि इसके नीचे से अगर कोई निकल जो अपने जीवन में अगर पाप करता है तो वो इसके नीचे से बहुत आसानी से नहीं निकल सकता। यहाँ स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि पतले दुबले पतले लोग भी यहाँ फंस जाते हैं और बहुत मोटे भारी भरकम लोग यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाते हैं, तो ये विष्णु वाराही अवतार कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाराही का अवतार रामटेक में एक रामटेक की विशेषता भी है। अब हम आपको दिखाते हैं सीता रसोई। यहाँ पर रसोई पर सीता माता ने अपने वनवास के दौरान पहली बार अपनी रसोई बसाई थी और वो यहाँ पर मुनियों को भोजन कराती थी। यहाँ पर ये रसोई किसी भी ईंट पत्थर से ईंट और रेत से नहीं बनी है, पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है जो आज तक हिले नहीं है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कुंड जहाँ पे राजन का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। इसी कुंड में नहा के उन राजन का कुष्ठ रोग ठीक हुआ था। ये देखिए ये सीता माता की रसोई के अंदर उनकी पादुकाएं। इसके अलावा सीता माता की रसोई के अब वो वास्तविक और पुरातात्विक चिन्ह बहुत थोड़े से शेष बचे। आपको हम यहाँ बता दें कि सीता माई अन्न छत्र भोसले देवस्थान गढ़ मंदिर रामटेक हर शनिवार और रविवार को यहाँ पे आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत यहाँ रिसीवर सरकार के द्वारा रिसीवर बिठा दिया गया। ये आप जो हॉल देख रहे हैं इस हॉल में हर रविवार और शनिवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की एक विशेषता और ये है कि यहाँ बंदरों की फौज आपको दिखाई देती है। बंदर यहाँ काले मुँह वाले लंगूर हैं। अगस्त मुनि आश्रम है जिस आश्रम में भगवान श्री राम रहे थे।